नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों, यूआईडी की तरफ से यूआईडी के पोर्टल पे एक न्यू फीचर को इनेबल किया गया है, जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड को कहां कहां ऑथेंटिकेट किया गया है। तो इसके लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो पे। दोस्तों, इसके लिए क्या करें, आप अपने लैपटॉप या मोबाइल जहाँ पे भी यूज करते हैं, आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करें। तो अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर ले। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है uidai.gov.in। टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है सेलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज टू एंटर द वेबसाइट। वेबसाइट में प्रवेश करने के लिए अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें। तो इंग्लिश, हिंदी, बाकी जो भी लैंग्वेज है, जो इसमें भी आप कंफर्टेबल है, उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर ले। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ माई आधार। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। तो यहाँ पे क्या करें, लॉग इन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स है आपको फिल करना होगा, लाइक आपका आधार नंबर, फिर आपका जो कैप्चा कोड है टाइप करें। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार नंबर जिस भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होगा, उस मोबाइल नंबर पे आपके पास एक ओटीपी आएगा। यहाँ पे आपको ओटीपी टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपका फोटो दिखेगा। तो अगर आप जस्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आधार भी शो करेगा। आप चाहे तो सिर्फ फ्लिप आधार कार्ड पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, जो बैक साइड में आपका जो एड्रेस है वो शो करेगा। उसके बाद नीचे आप जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जैसे पहले है एड्रेस अपडेट, उसके नीचे आप देखिए ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया, नोट में लिखा हुआ है, जो आधार नंबर होल्डर कैन व्यू डिटेल्स ऑफ अप टू 50 ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड परफॉर्म बाई एनी ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी और बाई हिम और इन द लास्ट 6 मंथ। मतलब पिछले 6 महीने में आपका जो आधार कार्ड है वो कहाँ कहाँ पे ऑथेंटिकेट किया गया, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके नीचे है लिस्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी, मतलब कहाँ कहाँ पे किस किस जो ऑथेंटिकेशन एजेंसी है, जिस एजेंसी ने आपका जो आधार कार्ड है वो यूज किया है। उसके बाद यूआईडी एरर कोड, आधार ऑथेंटिकेशन एरर कोड अगर कुछ है तो वो भी शो करेगा। ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, आप यहाँ पे क्लिक करके वो भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी डिटेल्स होगा, जैसे आप इसे चाहे तो सिलेक्ट, नीचे आप देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ऑल बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक ओटीपी, डेमोग्राफिक। तो आप इस पे क्या करें, ऑल पे अगर आप क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो आपको जो डेटा यहाँ पे जो फेच कर सकते हैं वो पिछले 6 महीने का है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए, अगर आज से पिछले 6 महीने तक का ही डेटा आप यहाँ पे फेच कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, जैसे अभी अक्टूबर का महीना है, तो मैं यहाँ पे मैं जैसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक दिन बैक का करके, अब जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। हिस्ट्री पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, योर सिलेक्शन हैज रिजल्टेड इन 12 ऑथेंटिकेशन। मतलब आपका जो ऑथेंटिकेशन है 12 जगह पे यूज किया गया है। पहला जैसा आप देख सकते हैं ओटीपी, तो 50% ओटीपी से यूज किया गया है, 10% बायोमेट्रिक यूज किया गया है, और 40% है वो आपका डेमोग्राफिक से यूज किया गया है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको डेट शो करेगा, मोडेलिटी शो करेगा, स्टेटस शो करेगा, जिस एजेंसी ने आपका यूज किया वो शो करेगा, ट्रांजेक्शन आईडी, रिस्पॉन्स कोड और एरर कोड अगर कुछ है तो वो भी शो करेगा। तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डाउनलोड पीडीएफ। तो आप चाहे तो यहाँ से जो जितने भी ऑथेंटिकेशन आपने किए हैं वो सारा का आप डाउन पीडीएफ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको लगता है जो आपका ऑथेंटिकेशन सही है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और जो आपका एप्लीकेशन जो पासवर्ड होगा वो उसमें आप यहाँ पे चेक कर ले, पहले मेंशन किया हुआ है। तो ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पीडीएफ पासवर्ड विल बी 8 कैरेक्टर्स, कंबाइन द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ योर नेम, इनकैप्सुलेटर एंड ईयर ऑफ बर्थ, YYYY फॉर्मेट। मतलब आपके नाम का जो फर्स्ट का 4 लेटर वो कैपिटल में होगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका सिर्फ ईयर डालना है। जैसे मान लीजिए आपका 2010 में जन्म है तो आप यहाँ पे 2010 डालना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें,
और चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।